दोस्तों, तो आज मैं जा रहा हूँ पुणे की तरफ और अहमदाबाद से ड्राइव करके जा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं अहमदाबाद सिटी में एक जगह पे खड़ा हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से कुछ 800 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ से पुणे की तरफ। तो शायद मैं आज वलसाड में या दमनगिरी में जाके स्टे करूँगा या फिर सीधे मैं पुणे के लिए स्ट्रेट जा सकता हूँ। तो न्यूज़ में आया था कि 13-19 LNT हाईवे जो मुंबई से पुणे जाती है, तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो शायद इस वजह से मैं शायद कल स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर मे बी आज ही जाके। ओल्ड पुणे हाईवे है जो पनवेल की साइड से होता है लोनावाले के बाद, तो शायद उस रस्ते में भी जा सकता हूँ। तो कुछ फिक्सर नहीं है, आगे देखते हैं कि अगर आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा सकता हूँ। एंड अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 6:30 का टाइम, एंड आगे देखते हैं कि क्या होता है। आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं दिखा सकता हूँ ऑन द वे। दोस्तों, तो मैं अभी अहमदाबाद से वडोदरा जाने वाला जो हाईवे है ना, उसमें हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आप गाड़ी रोक नहीं सकते हो एंड रास्ते में रोक नहीं सकते हो, और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रकों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे कभी भी लेफ्ट साइड में आप रोक नहीं सकते हो। एंड यहाँ के बाद आप जैसे ही सूरत पहुँच जाओगे तो वहाँ पे ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे तुम 120, 140, 150 की स्पीड आराम से मार सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस यहाँ पे बस एक ही जगह है यहाँ पे हम लोग रोक सकते हैं, वो एक रिलायंस का एक आउटलेट है जहाँ पे पेट्रोल पंप है, रिलायंस का सुपरमार्केट है और रेस्टोरेंट्स हैं, एक टायर वर्कशॉप भी है जहाँ पे अगर आपकी गाड़ी का टायर को कुछ हुआ है तो वो सब चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे कहीं पे भी रुकना मना है, सख्त मना है। और मैं भी अभी जब वीडियो बना रहा हूँ बहुत रिस्क लेके बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली पीछे से जो गाड़ी आती है बहुत स्पीड में आती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो मैं अभी ज़्यादा वीडियो इस रोड पे नहीं बना रहा हूँ, इसके ख़त्म होने के बाद ही बना रहा हूँ। हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया, कार यहाँ पे है और वॉशरूम जाने के लिए मैंने बस रोका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
थोड़ा ट्रक का ट्रैफिक है, उसके यहाँ पे एक टोल है। ब्रेड जैम बटर ऑर्डर किया और एक कॉफ़ी, हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, हाईवे साइड से जा रही है मुंबई की तरफ। बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट, लेकिन बस क्राउड बहुत कम है। पता नहीं कि रेस्टोरेंट में लोग क्यों नहीं आते, वो नहीं पता, बस शायद यहाँ पे फ्लोटिंग कस्टमर्स ज़्यादा रहेंगे, रेगुलर कस्टमर्स नहीं हो सकते, फ्लोटिंग कस्टमर्स ही हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑर्डर किया, मैं भी यहाँ के चेयर में जाके बैठ रहा हूँ और खाना खाने का है ना प्लान बना रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, तो ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहीं पे मेरा पिछले बार जब मैं मुंबई जा रहा था यहाँ से गुजरात से अहमदाबाद से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और वैसे ट्रक ने आके पीछे से आके बोला था। तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए कि यहीं पे हुआ था, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के सेम जगह पे हुआ था। मैं आप सब को सबको यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप ड्राइव करोगे ना तो बहुत ही केयरफुल रहना होता है, कि स्पेशली फ्रॉम वडोदरा टू सूरत जब तक खत्म नहीं होता तब तक के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सारे ट्रक्स ऐसे जाते रहते हैं, तो पीछे भी आप देखेंगे ना बहुत सारे ट्रक्स आ रहे हैं, क्योंकि पूरा ट्रक का ही ट्रैफिक है यहाँ पे, यू टू बी वेरी केयर। तो हेलो दोस्तों, तो आज इस जर्नी के बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, तो आई एम चेकिंग इन जिंजर होटल वापी में, और इसके बाद मैं नेक्स्ट लेग ऑफ जर्नी यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जो कल मैं स्टार्ट करूँगा, और बाकी देखते हैं, मैं होटल भी थोड़ा बहुत दिखा दूँगा, और कल सुबह मैं वापस पुणे के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, मैंने होटल में चेक इन कर लिया, और आप देख सकते हैं कि मेरा ट्राइपॉड भी यहाँ पर है, मेरा बैग यहाँ पर है, कुछ सामान यहाँ पर बैठ के पड़े हुए, मैंने आयरनिंग बोर्ड भी मंगा लिया था थोड़ा आयरन करने के लिए। तो होटल रूम ठीक है, लेकिन उतना भी क्या बोलते हैं प्रीमियम नहीं है, जिस प्राइस के हिसाब से होना चाहिए था उतना भी प्रीमियम नहीं है। लेकिन जिंजर ग्रुप ऑफ होटल्स बहुत ही फेमस है फॉर द लक्जरी, बट मुझे नहीं पता कि जिंजर वापी में जो वापी जब जगह है जहाँ पे मैंने ये जिंजर होटल लिया हो, ये एक लौता होटल है जिंजर होटल का वापी में, और जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से रूम्स इतने अच्छे नहीं हैं, और लेकिन जो व्यू पॉइंट है एकदम मस्त है। मैं आपको ब्लाइंड के बाहर दिखाता हूँ, उस साइड पर नदी था, लेकिन अगर देखोगे तो देख सकते हो कि पूरा हाईवे दिख रहा है, ये मुंबई गुजरात का हाईवे है, और यहाँ पे पूरी हरियाली हरियाली दिख सकते हैं, बहुत ही मस्त है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कोई बिल्डिंग बन रहा है शहर से, फाउंडेशन का काम चल रहा है शहर से, और आप दूर दूर तक देख सकते हो ये जो वापी शहर है ये, और इसके बाद वलसाड आता है, बस आएगा आई थिंक विरार मेजर स्टॉप, फिर मुंबई आता है। मुंबई से आई थिंक दो रूट्स हैं, एक पनवेल के थ्रू ओल्ड पुणे हाईवे, और दूसरा है कि मुंबई के थ्रू जाके LNT हाईवे, लार्सन एंड टर्बो हाईवे। तो देखते हैं कल GPS कैसे लेके जाता है, पता नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर कवर कर लिया, अभी कल पुणे तक 300+ किलोमीटर रहेंगे, वो अर्ली मॉर्निंग या ब्रेकफास्ट के बाद ही मैं स्टार्ट करूँगा, डिसाइडेड नहीं है ब्रेकफास्ट के बाद करूँ या अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट करूँ, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और मैं ये ब्लॉग आज के लिए ख़त्म करूँ। मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।